ओके सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि सिलेक्शन पोस्ट का अभी हमारा अक्टूबर में फॉर्म आया था, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के बारे में। हर साल SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 1, 2, 3 से एग्जाम करवाती है। मेरे टाइम पे भी आता था और अभी जो आया है वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 है और पिछले साल जो आया था वो इसके पहले था, यानी कि सिक्वेंस में ये चल रहा है। सिलेक्शन पोस्ट क्या है, इसमें किस तरीके की पोस्ट होती हैं, किन लोगों को ये एग्जाम देना चाहिए और इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इस सब के लिए आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और आप मेरे पड़ोस बगल में देख भी सकते हो, शी इज अनुराधा पुरवार एंड इनका सिलेक्शन सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 से हुआ है। राइट? यस सर, सिलेक्शन पोस्ट एब्सोल्युटली। 7 से सिलेक्शन हुआ है और इनका सिलेक्शन हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पे, केमिकल के लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है सिलेक्शन पोस्ट है क्या और इसमें अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या कुछ हमें करना होगा, किस तरीके की पोस्ट होती हैं, क्या इन चीजें रहती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इनका सिलेक्शन हो गया है एंड शी हैज गॉट हर ज्वाइनिंग, बहुत ही जल्द ये डिपार्टमेंट में काम करने भी जाएंगी। तो जानते हैं इनके बारे में और जानते हैं कि इस पोस्ट एग्जाम क्या है पूरी बारे में। तो हेलो अनुराधा, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम एब्सोल्युटली गुड। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को बता दूं, शी हैज बीन माय स्टूडेंट इन ऑन अनअकैडमी परहैप्स। यस सर, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस द लास्ट 3-4 इयर्स। तो आई थिंक मुझे लगता है जब से मैंने टीचिंग पढ़ाना शुरू किया है शी हैज बीन माय कांस्टेंट स्टूडेंट। खैर, तो हम शुरू करते हैं। यस सर। अनुराधा, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है। सर, ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में, केमिस्ट्री ऑनर्स। हंसराज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है, केमिस्ट्री ऑनर्स में BSc किया हुआ है आपने। यस सर। ठीक है, तो मैं बाकी लोगों को बता दूं, शी हैज बीन टॉपर एज वेल, यूपी बोर्ड से इन्होंने टॉप भी किया था, 95% इनके इंटरमीडिएट में स्कोर आए थे। ठीक है, तो खैर टॉपर होना और एग्जाम क्रैक करना दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने बहुत से टॉपर्स को देखा है जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। खैर, तो हंसराज में आपने BSc किया, उसके बाद आपके क्या लाइफ गोल्स है, मतलब CGL SSC करना था, क्या लाइफ गोल्स क्या थे आपके? आप दिल्ली में रह रहे थे? यस सर, मैं दिल्ली में थी तो पहले तो ये था कि मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ था थोड़ा सा, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा तो इसलिए मैंने पहले बैकअप का सोचा, तो बैकअप के लिए फिर SSC का सोचा। तो SSC के सारे एग्जाम्स की ही तैयारी की थी, लाइक CGL, CHSL, CPO एंड सिलेक्शन पोस्ट का तो मुझे भी उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। फिर बाद में जब देखा तो फिर मैंने फिल किया ऐसे, तो काफी जगह से मेरिट आउट भी हो चुकी हूँ। CHSL में भी मेरिट आउट थी 2018 में, CGL में भी मेंस में नहीं निकल पाया था, प्री तो हो गया था, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट में फाइनली सिलेक्शन हुआ है अभी। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कब कंप्लीट हुआ था? 2017 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और ये जो आपने एग्जाम दिया है सिलेक्शन पोस्ट, ये 2017 वाला दिया है या 18 वाला? सर ये था तो 18 वाला, जिसका फॉर्म 19 में आया था, एग्जाम भी 19 में ही हुआ था, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था सितंबर 2021 में। ठीक है, तो एक चीज जो हम सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखो यार, आप में से बहुत सारे लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे होंगे, CHSL की तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एक छोटी सी बहुत बात मैं कर दूं कि आप लोग, सीधी सी बात है, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ CGL की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपके पास CGL का भी ऑप्शन है, CHSL का भी ऑप्शन है, MTS का भी ऑप्शन है एंड वन मोर ऑप्शन जिसको हम उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं, वो है सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट माय पॉइंट इज उसके अलावा मैंने CPO छोड़ दिया, तो ये 5 ऑप्शंस तो हैं ही। अगर हम स्टेनोग्राफर को छोड़ दें, स्टेनोग्राफर में आपको अलग से स्टेनो सीखनी पड़ती है, वो एक अलग होगा, बट 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। आप सभी में ट्राई करते रहिए, ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना वो एक अलग चीज है, बट एटलीस्ट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगी। अब हम आते हैं सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। अनुराधा, व्हाट इज इट अबाउट और किस तरीके का एग्जाम होता है ये? CGL CHSL के जैसा ही है या कुछ अलग है, क्या है सिलेक्शन पोस्ट?
तो सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर एक पोस्ट का अलग क्वालिफिकेशन रहता है। तो आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको एक एक पोस्ट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और 3 लेवल का एग्जाम होता है, लाइक 10th लेवल जैसे MTS का एग्जाम होता है, CHSL का होता है तो वो 10+2 वाला, एंड एक होता है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का, मतलब उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे CGL में होता है ना उसी तरीके से। एंड उसके बाद और तैयारी का बात करें तो फिर CGL का जो सिलेबस होता है उसके जैसा ही सिलेबस तैयारी है पे भी लगभग, आते हैं, तो बस यही है कि लेवल। तैयारी पे आते हैं अनुराधा। मेरा पॉइंट पहले तो हम ये जान ले कि आपने कहा कि यस तीन होते हैं, तो बेसिकली क्या एक ही, जैसे सिलेक्शन पोस्ट अभी फेज 9 आया हुआ है, तो इसी में ही तीनों एग्जाम होंगे या तीनों अलग-अलग एग्जाम होते हैं? यस सर, तो एक दिन में ही तीनों एग्जाम होंगे, जो हमारा एक मॉर्निंग वाला शिफ्ट एग्जाम होता होंगे। है उसमें होगा 10th लेवल। यस अच्छा, सर, तो अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक दिन जो आप तैयारी करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली वो आपका एक दिन में ही आप पूरा दे सकते हैं जितना भी आप तैयार करते हैं। मतलब सेम डे पे मेरे तीन तो मॉर्निंग एग्जाम वाले शिफ्ट में 10, हैं, पहले मॉर्निंग वाले में यस 10, सर, दोपहर वाले में मॉर्निंग वाले में 10, 10+2 वाला, और शाम वाली जो शिफ्ट होती है उसमें ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल वाला एग्जाम होगा। ठीक है, मतलब समझ गया। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपने बताया अलग अलग पोस्ट होती हैं, तो हर पोस्ट का मुझे क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा, और मैं हर पोस्ट के लिए, मान लीजिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने MSc या MA कर रखा है, तो मैं सारी पोस्ट देखूंगा, उसमें से देखूंगा कि किस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। मान लीजिए किसी के लिए 10th अगर क्वालिफिकेशन है तो मैं उसको फिल कर सकता हूँ, किसी के लिए 10+2 क्वालिफिकेशन है मैं उसे भी फिल कर सकता हूँ, यस और सर, किसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होती है या नहीं होती है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किसी के लिए? यस सर, काफी सारे वैकेंसी आई हैं इस बार जो फेज 9 में, उसमें काफी सारे में मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, तो मतलब अगर मैं ग्रेजुएशन उसमें भी भर सकता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता हूँ। यस सर, फिर मेरे मेरे एक ही दिन पे तीन एग्जाम होंगे, जिसमें मैं सुबह फिल करूंगा, 10 वाला भर पेपर दूंगा, दोपहर में 12 वाला पेपर दूंगा, और शाम में मैं ग्रेजुएशन वाला पेपर दूंगा। ठीक है, राइट सर। सर एक बात और है कि आप कितनी भी जैसे कि 10th या जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट है तो उसमें मान लीजिए आप 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो एग्जाम आपका एक ही होगा, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम एक ही होगा, उसके बाद फिर अलग से कट ऑफ आता है, तो जिसके लिए फिर आप क्वालिफाई करेंगे उसके लिए आप आगे कम्पीट कर सकते हैं। समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, तो अच्छा, इसका जो एग्जाम है वो CGL और CHSL की तरह है, मल्टीपल शिफ्ट्स में, यानी कि मल्टीपल डेज में होता है, या मतलब एक ही दिन में हो जाता है इसका एग्जाम? ये सर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है क्योंकि काफी सारे लोग फिल करते हैं, तो काफी ज्यादा मतलब बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं देने के लिए, तो जैसे मैंने जब दिया था तो 3 दिन चला था ये एग्जाम। अच्छा, तो ठीक है ठीक है, मतलब समझ गया कि CGL की तरह ही काफी ज्यादा लोग होते हैं, तो 3-4 दिन चल सकता है एग्जाम इसका। ठीक है, तो ये तो एक यस बात हो सर, गई कि फॉर्म में आपको क्या ध्यान रखना है और किस तरीके के फॉर्म आता है। ठीक है, और आप CGL की ही तैयारी कर रहे थे और फिर आपने दिया। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, तीनों के एग्जाम में आप मुझे बता दीजिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने कितने मार्क्स का पेपर होता है। सब्जेक्ट्स तो सबसे पहले आएगा आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस या GK वो 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस मैथ्स के एंड 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे। तो ऐसे ही तीनों में, तीनों जो लेवल का एग्जाम होगा सेम ही रहता है एग्जाम, तो बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है वो क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, बाकी तो यही रहता है सिलेबस। ठीक है, तो मतलब मैं एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकता हूँ, और यही चार सब्जेक्ट्स तीनों पेपर में आएंगे। लेवल आपने बताया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल के हिसाब से होता है, जिस लेवल का एग्जाम है उस हिसाब से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा, तैयारी पे आते हैं, तैयारी राइट सर, कैसे आपने की थी और क्या कुछ इसके लिए पढ़ना होता है, क्या कुछ बहुत अलग पढ़ना पड़ता है जो हम CGL या CHSL के लिए नहीं पढ़ते हैं, या लगभग वैसा ही है, क्या सिस्टम रहता है तैयारी? अलग तो सर कुछ नहीं, लगभग वैसा ही है कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो अलग से तो कुछ नहीं करना होता। अभी जैसे पहले मुझे लगता है काफी इजी टाइप का रीजनिंग आता था जब सीफी लेता था एग्जाम, लेकिन जब से TCS आया है तो थोड़ा रीजनिंग का लेवल अच्छा हो गया है, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको जैसे आप CGL या CHSL देंगे तो अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी रह जाते हैं तो मेंस में स्कोप है आपके पास कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है।
अगर आपको लिस्ट में नाम चाहिए है तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है। तो रीजनिंग के लिए तो मैंने सारे ही, जैसे सीजीएल का था, सीएचएसएल, जितने रीजनिंग के क्वेश्चंस थे सारे ही लगा लिए थे, तो रीजनिंग में मेरा 48 स्कोर आया हुआ है, तो डिसेंट इनफ है ये तो। उसके बाद अगर जीके पे आए तो वो तो बहुत ज्यादा वास्ट है, वो तो आप जितना कवर करें उतना कम है, लेकिन फिर भी जैसे आप कुछ निकाल सकते हैं टॉपिक्स, जैसे कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, तो छोड़ नहीं सकते आप, कि अगर आपने सोच लिया करंट अफेयर छोड़ दें काम चल जाएगा, तो काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि करंट अफेयर की वजह से मेरा एक जगह सिलेक्शन रुका था, तो उसे आप इग्नोर मत करिए कभी भी। तो उसके बाद आप छांटिए, जैसे कि करंट अफेयर्स में इंडिसेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, बुक्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स पॉलिटी में, माउंटेन्स रिवर्स, तो आप ऐसे छांटिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा वास्ते आप कवर कर नहीं पाएंगे सारा का सारा, और एसएससी में इतना ज्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश में ही बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में राकेश यादव सर की मैथ्स की जो नोटबुक थी वो मैंने ट्राई करी थी, और मतलब पढ़ा था उसे काफी अच्छे से, तो काफी हेल्प किया। और टीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे पास अवेलेबल है, सीपीओ से लेके एमटीएस तक के सारे ही लगा लीजिए, तो काम बन जाएगा उसमें। और इंग्लिश की बात करें तो आप अल्टीमेट है उसके लिए, तो इंग्लिश के लिए तो आपको मैंने काफी ज्यादा फॉलो किया है, और उसका मतलब मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना अच्छा इंग्लिश आता था पहले, लेकिन अब काफी अच्छा हो गया है, वो कैब मेरी काफी ज्यादा इनहांस हुई है, फ्रेजल वर्ब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगता था मुझे वो मैंने आपसे ही पढ़ा था, तो काफी सही, और इंग्लिश में काफी सही स्कोर आया इस बार। ठीक है जी सर, ठीक है। एक चीज जो हमने शुरू में मिस कर दी थी वो ये कि टीयर 1 जो है आपका, मतलब इसमें सिर्फ एक टीयर होता है, अनलाइक सीजीएल और सीएचएसएल, अलग अलग टीयर नहीं होते, एक ही टीयर है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको, या अगर इस आपकी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और नहीं इंपॉर्टेंट है तो नहीं बुलाया जाएगा और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि 25 25 25 मार्क्स राइट सर, तीनों चीजें आनी है और 25 25 क्वेश्चंस आने हैं, 1 घंटे का पेपर है, तो उसमें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट कि सर, हम चारों सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज दें। क्योंकि जैसे सीजीएल में बिल्कुल जैसा आपने कहा, हालांकि अब उतना केस बचा नहीं है वैसा, बट फिर भी हमारे पास स्कोप होता है कि अगर हम मान लीजिए, अच्छा इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का होता है या यहाँ पे भी सीजीएल की तरह 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है? यस सर, सीजीएल की तरह ही है सर, 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच एंड 0.150 का नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि आपको यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी के कट ऑफ पे बन जानी है आपकी। तो जितना, अगर मान लीजिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप राइट सर, रीजनिंग भी अच्छे से करो, जीएस भी उतने ही अच्छे से करो। ये नहीं आप अफोर्ड कर सकते कि जीएस में हम बहुत कम ले आएंगे और सिलेक्शन ले राइट सर, जाएंगे, वो चीज नहीं होगी। इंग्लिश मैथ्स भी उतने ही अच्छे से करो और इंग्लिश भी उतने ही अच्छे से करो, ठीक है। अब ये बताइए, नॉर्मलाइजेशन इसमें राइट होता है? सर, नॉर्मलाइजेशन तो है सर, बट इतना ज्यादा शिफ्ट में क्योंकि वेरी नहीं करा, मुझे तो ऐसा लगा, तो मेरे जितने थे मार्क्स उतने ही आए हैं, पॉइंट में कुछ इधर उधर हुआ था, रॉ मार्क्स ही मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स था। उसका एक कारण ये हो जाता है क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम करवाते हैं और डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है, तब ये चीजें ज्यादा होती हैं। जब मतलब चूंकि आपने बताया 3 दिन एग्जाम होगा, राइट सर, 3 दिन में शिफ्ट हमारी सिर्फ, क्योंकि दिन भर एक ही तरीके का एग्जाम चल रहा है तो बेसिकली 3 ही शिफ्ट हुई, तो डिफिकल्टी लेवल वेरी नहीं किया, और इतना राइट सर, उसके बारे में अभी तक बात नहीं होती थी, इस बार से बात होना शुरू हुई है, तो लोग एनालिसिस वगैरह भी नहीं करते थे, इस वजह से इतना राइट, ज्यादा मतलब इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन वेरी नहीं करता था, ठीक है। अब कट ऑफ पे थोड़ा सा आ जाते हैं, कट ऑफ कितनी, नॉर्मलाइजेशन तो वेरी नहीं करता सर, कट ऑफ कितनी जाती है? हालांकि अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम है तो हर पोस्ट के लिए अलग जाएगी, बट फिर भी एक एक मुझे अब मतलब अगर हम एस्पायरेंट्स को एक रफ आइडिया दे पाएं कि बेटा इतने नंबर तो लेकर आओ ही, कि कोई भी पोस्ट अगर चाहिए तो, और अच्छी पोस्ट चाहिए तो कितने नंबर तक लेकर, मार्क्स तक लेके आए? सर वो मुझे लगता है डिपेंड करता है कि क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, क्योंकि कई सारे हैं, जैसे कहीं में सारे में डिप्लोमा मांगा जाता है, तो डिप्लोमा वाले में बच्चे ज्यादा नहीं मिलेंगे, उनको कैंडिडेट्स कम रहते हैं, तो उसका कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही जाएगा, लेकिन जैसे जनरल कोई पोस्ट है जैसे ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसमें सारे सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ वाले ही बैठेंगे, तो आप मान लीजिए कि 80 to 85 क्वेश्चंस जब आप करेक्ट कर सकते हैं तो ही सिलेक्शन हो सकता है,
जनरल तो नहीं हो पाएगा कि अगर आप सोचें कि 70 में हो जाएगा 75 में, क्योंकि मेरे खुद जब 81 क्वेश्चन राइट थे तब मेरा नाम आ पाया उसमें विदाउट मार्क्स नॉर्मलाइजेशन वो भी। यस सर, मार्क्स हो गए रिलीज, जिनका हो गया है सिलेक्शन उनका हो गया है, तो आई स्कोर्ड 162 आउट ऑफ 200। 162। ओके, नेगेटिव मार्किंग भी तो हुई होगी ना, इसका मतलब आप 81 सही होंगे, 81 से ज्यादा सही होंगे आई थिंक। यस सर, वो 5-6 गलत होंगे, अभी तो मुझे याद नहीं है इतना, देख ली नहीं, आपने कहा ना 81 से होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल 81 से ज्यादा सही होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग होने के बाद ही इतने मार्क्स आए होंगे ना, 160। या राइट सर, राइट सर। ठीक है। अच्छा, आंसर की इसकी आती है, व्हाट सर? आंसर की पब्लिश होती हैं जैसे सीजीएल और सीएचएसएल की होती हैं। यस सर, यस सर, एग्जाम के बाद वही 5 से 10 दिन के बीच में आंसर की आ जाएगी, तो आप लगा सकते हैं कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े बढ़े फिर। लेकिन यही है कि एक ही एग्जाम पे डिपेंड ना रहे, मल्टीपल एग्जाम्स देते रहे। समझ गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 80 सवाल सही करने की आप ये मान के चलिए, राइट। राइट सर, मतलब कंपटीशन इज फियर्स, और ये हम उस पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं जो जनरल पोस्ट है, जैसे कि आपकी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए था शायद। राइट सर, तो ऐसी पोस्ट जिनमें ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे उनकी कट ऑफ लाजमी है आ ही जाएगी, और ऐसी पोस्ट भाई मान लो उन्होंने कुछ मांगा कि डिप्लोमा इन पर्टिकुलर ट्रेड मांग लिया है, तो ऑब्वियसली लोग कम होंगे, लोग कम होंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगी। राइट सर, तो उसमें सिलेक्शन 120, 125 या फिर 90 में भी देखा है मैंने होते हुए, तो वो जब लोग ही नहीं है उसके लिए तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली कम ही जाना है उसका। लेकिन यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, तो अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा कट ऑफ। कहने का मतलब अगर आप जनरल पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, जनरल पोस्ट का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ऐसी पोस्ट जिसमें एक जनरल क्राइटेरिया मांग लिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, तो फिर उसमें कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, और बहुत ही राइट सर, स्पेसिफिक कट ऑफ किसी में मांगी है, क्वालिफिकेशन किसी में मांगी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, फिर मतलब कम में भी हो जाता है सिलेक्शन, वो आपको राइट देखना सर, पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए। राइट सर, राइट सर, ठीक है, ठीक है, यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गई कि ठीक है। आपने अच्छा, जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो जैसे कई बार मेरे, मैं पढ़ाता हूं तो मैंने एक बड़ी बच्चों में एक ये फीलिंग देखी है कि मैं जब पढ़ाता था, तो आपने भी देखा होगा जब मैं क्लासेस देता हूँ, सिंपली क्या होता है कि मान लीजिए मैं सीजीएल की तैयारी करवा रहा हूँ, मैंने क्लास में टाइटल डाल रखा है कि मान लीजिए मॉक टेस्ट फॉर सीजीएल, तो बच्चों की आदत क्या होती है, वो कमेंट में आगे बोलेंगे कि सर ये सीजीएल के लिए है, सीएचएसएल वाले इसे अटेंड नहीं कर सकते, या ये सीएचएसएल के लिए है, स्टेनो वाले इसे अटेंड नहीं कर सकते। तो क्या जो सिलेक्शन पोस्ट वाला है वो स्पेसिफिक क्लासेस लगाए जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए हों, या स्पेसिफिक मॉक टेस्ट लगाए जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए हों, या फिर जब वो प्रीवियस ईयर लगाए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट के लिए लगाए? नो सर, अगर अगर अकेले ही सिलेक्शन पोस्ट का लगाया तो सिलेक्शन तो मतलब आप काफी दूर चले जाएंगे उससे। और मुझे तो लगता है कि सीजीएल और सीएचएसएल का टीयर 1 का लेवल तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, अब उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो अगर आप, मुझे लगता है सीजीएल और सीएचएसएल या सीपीओ का आप, अगर आप सारा अच्छे से तैयार कर लें, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन पोस्ट का ही लगाएंगे, सीजीएल का कर रहे हैं तो सीजीएल का ही लगाएंगे, सीएचएसएल का भी लगाइए, एमटीएस का भी लगाइए, सीपीओ का भी लगाइए। जब आपको थॉरो एनालिसिस करेंगे ना, कि इतनी आपको कई सारी चीजें कॉमन दिखने लग जाएंगी, कि इंग्लिश में ये वाला रूल है, जैसे नो सूनर देन वाला रूल है, वो आपको हर एक जगह मिल ही जाएगा, वो आना ही है उसे। तो काफी सारी चीजें आप खुद से एनालाइज करने लग जाएंगे, तो वो एनालिसिस बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस भी आपका गेन होगा कि हाँ ये वाली चीजें हैं, ये टॉपिक है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो जो भी है, जैसे जो भी पढ़ाया जाए तो उसे फॉलो करिए अच्छे से, और नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी बाद में रिवीजन करने में। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके ही प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, ये मत मान के चलिए कि सिलेक्शन यस पोस्ट सर, वाला प्रीवियस ईयर हम ढूंढ लें और फिर वही लगाएं, सारे लगाइए, और कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए, इतना स्पेसिफिक मत होइए, क्योंकि एग्जाम जो है यस वो सर, टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस को ये मालूम है कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस इस एग्जाम में भी आनी है, और वो सिमिलर पैटर्न पे आनी है जो कि सीजीएल या सीएचएसएल में आ रही है,
वो उसी तरीके का पेपर बनाएंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हमारे मतलब ये नहीं होता कि भैया ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वो एक जनरल पेपर बनेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि तैयारी करिए और मन से राइट तैयारी, सर, ये मत मानिए कि नहीं नहीं ये तो सिलेक्शन पोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा सिलेक्शन, मान लीजिए मैंने पेपर दिया और मेरा नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है? नो सर, सबसे पहले जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो आपका पहला पेपर है उसे क्वालिफाई करेंगे, तो उसके लिए सिलेक्ट होंगे, एक सीट पर 15 से 20 लोगों का सिलेक्शन होता है। मान लीजिए मेरे में 3 वैकेंसी थी, तो 45 लोग सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद क्या होता है, इन सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएगा, तो स्क्रूटनी लिस्ट होता है, वो हमें बाई पोस्ट ही भेजना होता है। बाई पोस्ट वो जाएगा, उसके बाद वो वहां पे उसका स्क्रूटनी करेंगे कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वाकई में आप उस चीज के लिए एलिजिबल थे भी या नहीं, क्योंकि कई सारे लोग एक्सपीरियंस के चक्कर में देने चले जाते हैं, तो वो फिर अलग हो जाते हैं वहां से। तो अगर वहां पे आप क्वालिफाई हो गए, तो फिर जितने लोग होंगे, तो फिर लिस्ट निकलेगा, जो फाइनल, फिर जो हमारा, जहां जिस भी रीजन से आप अप्लाई करेंगे, वहां के ऑफिस में जाके आपको डीवी देना होगा। वो डीवी जब हो जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा। फाइनल लिस्ट जब आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल वाला प्रोसेस जो ज्वाइनिंग का होता है वो होगा। कहने का मतलब ये है कि 15 to 20 times लोग बुलाते हैं वो एक सीट पे, तो अगर लिस्ट में नाम आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, स्क्रूटनी हो गया, कई लोग पार्टिसिपेट नहीं करते डीवी में, राइट कई लोग सर, उनके क्वालिफिकेशंस मीट नहीं होते हैं, फिर वो राइट सारे सर, करके शॉर्टलिस्ट करके नई लिस्ट बनाते हैं। एक चीज और था ये कि जैसे आपने बताया कि 3 exam, राइट तो सर, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो मैंने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भी अप्लाई किया हुआ है, 12th वाली पोस्ट पे भी अप्लाई किया हुआ है, 10th वाले पे भी किया हुआ है, राइट? मैंने तीनों एग्जाम दिए। अब चूंकि मेरा 12th वाले ग्रेजुएशन वाले में सिलेक्शन हो रहा है, तो ये शायद ऑब्वियस होगा कि मेरा सिलेक्शन 12th और 10th वाले में भी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो दोनों एग्जाम भी, राइट मतलब सर, ऑब्वियस तो नहीं है बट हो सकता है वो भी निकाल लूं, क्योंकि तीनों राइट अलग सर, अलग है, तो हो सकता है कि मैंने ग्रेजुएशन वाला अच्छा किया और 10th वाला घोड़ दिया तो वो नहीं अच्छा आएगा। लेकिन मान लीजिए तीनों में हो गया तो मेरा नाम तीनों लिस्ट में आ जाएगा, तो मैं 3 पोस्ट पे भी फाइट कर 3 पोस्ट में सिलेक्टेड हो सकता हूं। सर 3 क्या, अगर आप 30 पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप 30 जगह का डीवी देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका कितनी जगह पे हुआ था? जितने ज्यादा आप, मैं मुझे सर उस समय इतना नॉलेज ही नहीं था। मुझे याद है, मैंने लास्ट टाइम फॉर्म भरा था, बिल्कुल लास्ट डे ही था, मेरा कोई एग्जाम था दिल्ली में, तो मैं वो दे के आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो ये है, कुछ भर देते हैं इसको, तो इतना मैंने इसका वो भी नहीं किया सर, मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भरा था, तो अच्छा, मुझे था कि मतलब ठीक है, भर दिया है तो दे आते हैं, हाँ, बट एक अगर किसी ने नॉलेज से फॉर्म भरा है तो उसका हो सकता क्योंकि है कि सर, जैसे आपने बताया मल्टीपल पोस्ट पे सिलेक्शन हो सकता है। राइट सर, पहले ना इतना अवेयरनेस नहीं थी इसके लिए, अभी थोड़ा अवेयरनेस लोगों में आ रही है, कि मुझे भी नहीं थी जैसे, तो अभी आ रही है। तो ये है कि आप, मुझे ये नहीं पता था कि आप एक, मतलब मुझे ये लगता था कि एक ही आदमी तो ऐसे 10 पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा, तो कैसे होगा इसमें, ये डाउट आया था मेरे माइंड में। अभी मैंने तो आपसे, मैं फिर मुझे लगा ऐसा ना हो बाद में डिसक्वालीफाई हो जाए, तो फिर मैंने एक ही पोस्ट के लिए भर दिए थे एग्जाम, लेकिन ये है कि मेहनत रंग लाई और हो गया उसमें। डीवी जो है वो डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है कि एसएससी? तो डीवी तो एसएससी कंडक्ट कराएगा, स्क्रूटनी होगा वो एसएससी कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद जैसे मैंने वेस्टर्न रीजन से भरा था, तो मुझे वहीं जाना पड़ा था डीवी देने के लिए, तो फिर वो एसएससी कराएगा। उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बुलाएगा आपने डीवी के वेस्टर्न लिए। रीजन से क्यों भरा था? आप यूपी से हैं, मतलब वेस्टर्न रीजन तो शायद उल्ट, मतलब वेस्ट में हो गया, तो उधर से फॉर्म क्यों भरा? मतलब मुझे इसका लॉजिक थोड़ा नहीं समझ में आया। सर उसमें वैकेंसी, यहाँ जो हमारा रीजन था सेंट्रल वाला, क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले कि कितने भी फॉर्म भर सकते हैं, तो सेंट्रल रीजन में शायद एक वैकेंसी था, तो मैंने वेस्टर्न से भर दिया, वहां पे 3 वैकेंसी थी। अच्छा, नहीं तो क्या जो वैकेंसी है वो रीजन वाइज आती है? राइट सर, वैकेंसी आएगी रीजन वाइज, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन है तो इसमें आएगा अलग अलग पोस्ट की अलग अलग, वेस्टर्न रीजन है तो हर एक, जैसे जब हमारा साइट पे आता है तो उस पे आप जाके देखिए एक एक वैकेंसी, जैसे नॉर्दर्न रीजन पे आप जाएंगे, उसके बाद आप एक एक पोस्ट पे जाएंगे, गो थ्रू करेंगे उससे, तो यही है, हाँ अलग अलग रीजन की अलग अलग वैकेंसी रहती है, अलग अलग ही कट ऑफ आएगा उनका। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब मान लीजिए मैंने फॉर्म भरा है नॉर्दर्न रीजन से, मैं नॉर्दर्न रीजन से भी फॉर्म भर सकता हूँ, सेंट्रल रीजन से भी भर सकता हूँ, वेस्टर्न रीजन से भी भर सकता हूँ।
राइट सर, अच्छा, क्योंकि सीजीएल में अलाउड नहीं होता है, अगर आपने एक रीजन से भरा है और दूसरे रीजन में भी भर दिया तो फिर आप डिबार कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं राइट सर, ये डिफरेंट टाइप का है, ये डिफरेंट है, थोड़ा सा काफी ज्यादा है। डिफरेंट है सीजीएल और इन सब एग्जाम से तो। ठीक है, तो बेसिकली हमने पूरी बात कर ली, हमें ये इतना समझ में आया कि किस तरीके का फॉर्म है, क्या एग्जाम है, और तैयारी बिल्कुल सेम पैटर्न पे करनी है, सीएचएसएल सीजीएल की जैसे प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन करनी है, जो बुक्स आप उसके लिए फॉलो करते हैं वही बुक्स यहाँ पे फॉलो करनी है, जो मॉक टेस्ट वहां देते हैं वही मॉक टेस्ट आपको यहाँ देने हैं। एक वही फाइनल, मॉक टेस्ट देना। आपका सिलेक्शन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हो गया, किस टाइप का जॉब है आपका, आप लैब असिस्टेंट के पद पे हायर हुए, तो किस टाइप का जॉब है, क्या कुछ काम आपको करना पड़ सकता है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है तो शायद आइडिया उतना होगा नहीं, तो फिर भी क्या अगर आइडिया है, क्या क्या किस टाइप का जॉब है आपका। राइट सर, अभी मुझे डीवी के लिए बुलाया गया था, तो मेरा जो पोस्टिंग है वो नागपुर में आया है। नागपुर में जो इनका रीजनल ऑफिस है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वहां मैं गई थी, तो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफिस था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और वहां पे सारे, अब जैसे कि भूवैज्ञानिक वाली चीज है, तो सारे वैज्ञानिक ही दिख रहे थे वहां पर। तो वही है जो साइंटिस्ट हैं, या फिर जेटीए भी एसएससी के थ्रू लगते हैं, तो वो जो है उनके उनको असिस्ट करने का काम है बेसिकली। क्योंकि जैसे जो अर्थ का स्टडी है या मिनरल है, तो ये वही जो फाइंड आउट करते हैं, तो वो बेसिकली काम करेंगे और मुझे उनको असिस्ट करने का काम है फिलहाल में। तो मुझे यही है, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही होगा, क्योंकि चलिए बढ़िया है, तो मैंने लैब में काम किया हुआ है केमिस्ट्री में, तो उतना मुझे है एक्सपीरियंस कि जो लैब में काम हम करते थे, तो उसी से रिलेटेड ही कुछ काम होगा वहां पे भी। ग्रेट अनुराधा, समझ गया आपकी बात को, आई थिंक व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट है, जो लोगों को आपको, जो मैंने तो कोशिश की अपने साइड से कि मैं सारे सवाल आपके एंड से पूछ लूं, अगर आपका कोई भी सवाल अभी रह गया आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं, मैं इनसे पूछ के या तो कमेंट में जवाब दे दूंगा, या ज्यादा हुए तो किसी और दिन से समय लेके एक बार छोटा सा वीडियो और बना लेंगे, बट आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल इनकी ज्वाइनिंग आ गई है और बहुत जल्द ये अपने डिपार्टमेंट में काम करेंगे, एंड आई होप आप में से जो लोग देख रहे हैं आप लोग भी जल्द ही अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करें। थैंक यू सो मच अनुराधा फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, थैंक्स, थैंक यू सर।